में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर चिंताएं और कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है, स्टेट्स में नाइट कर्फ्यू, दूसरे कोविड प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं। ऐसे में हॉस्पिटल सेगमेंट, हेल्थ केयर इंडस्ट्री कितनी तैयार है, इसी के जरिए आज हमारे साथ एक स्पेशल मैनेजमेंट जुड़ी हुई है। हमारे साथ मैक्स हेल्थ केयर के MD अभय सोई हैं। वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश मिस्टर सोई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे इसी से शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लगातार अब एक्टिव केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस और कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ साथ हेल्थ केयर इंडस्ट्री को भी उतना ही पुश देना पड़ेगा। कितनी तैयारी, कितनी प्रिपरेशंस आपको दिख रही हैं आपके फ्रंट पे? देखिए, पहले दो वेव्स के हिसाब से तो प्रिपरेशंस बहुत ज्यादा करी हैं इस टाइम, और जो पिछले टाइम की लर्निंग्स थी वो भी इस प्रिपरेशन में इस्तेमाल हुई और रेडीनेस है ओमिक्रॉन के लिए। अब ये देखना पड़ेगा कि ये वेव कितनी ऊंची जाती है। अभी यूके यूएस में तो ये बढ़ रही है, साउथ अफ्रीका में हमने ये देखा है कि ये वेव बढ़ी बहुत तेजी से, लेकिन बड़ी जल्दी से कम भी हो गई है। सो प्रिपरेशन तो वर्स्ट के सिनारियो लेके हमने अपनी तरफ से सारी करी है। अभय, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज ईटी नाउ स्वदेश को आप समय दे रहे हैं। अच्छा, आपसे ना मैं एक और चीज़ पता करना चाहता हूँ। अभी जो जितने भी केसेस आए हैं, जिनको भी आप देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आ रही है, उसको देख के कहीं ऐसा लग रहा है कि सीवियरिटी बढ़ सकती है, चांसेस बढ़ सकते हैं? क्योंकि सेकंड फेज में भी ऐसे हुआ था, पहले धीरे धीरे दिसंबर और जनवरी के अंदर शुरू हुआ, फिर एकदम से पीक बन गया। एक ना रिपोर्ट आई, एक्चुअली मैं उसके बेसिस पे पूछ रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि फेब तक हो सकता है भारत में आंकड़ा 1,00,000 भी हो जाए, तो चिंता की बात है, इसलिए मैं आपसे पता करना चाह रहा हूँ। देखिए, हमने ये देखा है, अगर आप किसी और, अगर आप यूके का एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पे आज की डेट में जो इन्फेक्शन रेट है वो हाईएस्ट एवर, जो उनकी पिछले दिसंबर थी उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है। कुछ 1,20,000-1,25,000 की इन्फेक्शन रेट हो गई यूके में। लेकिन पिछले टाइम के बराबरी में उनकी जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो इतनी नहीं हुई है, कम हुई है पिछले टाइम के हिसाब से। अब ये आंकड़ा जो 1,20,000 का है, जो हाईएस्ट एवर है, कल को अगर ये 2,50,000, 5,00,000, 10,00,000 तक जाता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो परसेंटेज वाइज है वो कम होगी, लेकिन वॉल्यूम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी इसमें। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं है शायद, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हमने देखा है कि ये नंबर जो आंकड़े थे बहुत जल्दी से बढ़े थे, लेकिन बहुत जल्दी से कम भी हो गए, इसकी पीक भी हुई है वहां पे। देखिए, ये बहुत अर्ली साइंस, बहुत अर्ली इंडिकेशंस हैं। ये हम सब जानते हैं कि इसकी इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा हायर है डेल्टा से, लेकिन ये भी अर्ली इंडिकेशंस हैं आज की डेट में कि इसकी जो सिवेरिटी रेट है वो कम है। सो अगर आप समझे कि पिछले टाइम के हिसाब से अगर इसकी सिवेरिटी रेट 1/10 रहेगी और इसकी इन्फेक्शन रेट 10 times रहेगी, तो नंबर्स तो सेम रहेंगे, लेकिन अगर ये चीज नहीं है इस रेशियो में चलती, तो नंबर बढ़ भी सकते हैं। सो बहुत जरूरी है कि हम लापरवाही ना बरते इस टाइम। सर, हमने देखा कि दिल्ली और NCR में हॉस्पिटल बड़े पैमाने पर है, मुंबई में भी आपके कुछ हॉस्पिटल है, और इन दो शहरों में हम देख रहे हैं कि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह की तैयारी है आपके फ्रंट पर? अगर तेजी से ये चीज बढ़ती है और केसेस और ज्यादा सामने आते हैं, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है, तैयारी कैसी है इस फ्रंट पर? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक हमने कोई बढ़ोतरी एडमिशंस में नहीं देखी है, हॉस्पिटलाइजेशन एडमिशंस में। सो ऐसा नहीं है कि कुछ भी अभी ज्यादा पेशेंट्स या 5% या 10% भी ऑक्यूपेंसी हुई है इस चीज की, कुछ भी नहीं हुई है। तो 2-4, 5, 10 पेशेंट्स हैं पिछले टाइम पीक में, 2,000 के ऊपर पेशेंट्स हैं हमारे पास। सो अभी तक तो कोई भी नहीं हुई है, लेकिन जहां तक तैयारी का सवाल है, चाहे वो सप्लाई चेन हो, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड प्लांट्स हैं, हमने सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजनेटेड प्लांट्स भी लगाए हैं, चाहे हमने स्टॉकिंग जो करी है सप्लाई चेन के की तरफ, मेडिसिंस, एसेंशियल मेडिसिंस की, या पीपल ट्रेनिंग, इस टाइम पीडियाट्रिक में ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो पीडियाट्रिक ट्रेनिंग हुई है, उसके प्रोटोकॉल्स एस्टेब्लिश हुए हैं। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, हमने और भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, और स्पीड ऑफ चेंज ओवर जो है कोविड से नॉन कोविड पे ले जाने के लिए, और या नॉन कोविड से कोविड ले जाने के लिए, वो हमने 24 से 48 घंटे में करना शुरू कर दिया। सो बहुत इसमें तैयारी तो बहुत हुई है, बहुत ड्राई रन भी हुए हैं, बहुत प्रिपरेशन भी हुई है, और
मैं ये कहना चाहूंगा कि तैयारी है इस टाइम पिछले टाइम के समान बहुत ज्यादा, लेकिन अब क्या अनसर्टेनिटी से क्या इसका ओमिक्रॉन का प्रेशर आता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है मिस्टर शो, अब थोड़े से आपके फाइनेंशियल डिटेल्स पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कॉस्ट बेनिफिट्स थे वो इस कोविड के दौरान कोविड सेगमेंट से अच्छे खासे रहे होंगे 2020 में 2021 में, लेकिन अब क्या 2022 में, क्योंकि अभी भी इस पर कॉन्ट्रोवर्सी है कि अभी भी पेंडेमिक है या एंडेमिक की तरह कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ऐसे में आप अपने फाइनेंशियल्स किस स्टेज पर देख रहे हैं 2022 के लिए कोविड सेगमेंट से? देखिए अगर मैं अपना पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखूं, जो क्वार्टर टू था, 1% से कम, 1% से कम रेवेन्यू हमारे कोविड से आए थे, तो इसको हम पूरी तरीके से एक शायद नॉन कोविड क्वार्टर ही मान सकते हैं जहां पे 1% से कम, लेकिन हमारा जो मार्जिन्स थे, जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी थी वो हाईएस्ट एवर रही है, क्योंकि हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करते हैं, ज्यादा हायर एंड सर्जरीज करते हैं, वो हाईएस्ट एवर रही है। इसके बावजूद के इंटरनेशनल बिजनेस पिछले क्वार्टर में सिर्फ एक तिहाई जो हमारा प्री कोविड लेवल था उसी तक वापस आया था बिकॉज ऑफ ये इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, और हम ये मानते हैं कि जैसे ये रिस्ट्रिक्शंस उठेंगी उसके 3-4 महीने में इंटरनेशनल बिजनेस पूरे का पूरा वापस आ जाएगा। हमने अभी भी देखा है ये बिजनेस पिछले क्वार्टर के हिसाब से तो डबल ही हो गया है इस क्वार्टर में, बट आगे जाके हम ये सोचते हैं कि 3-4 क्वार्टर अगर या 3-4 महीने अगर नॉर्मल सी रही तो ये पूरा ही इंटरनेशनल बिजनेस आएगा, तो इससे तो और बढ़ोतरी होनी चाहिए। जहां तक हमारी कॉस्ट सेविंग्स के सवाल है, हमारी कॉस्ट सेविंग्स जो हैं वो कोई कोविड रिलेटेड कॉस्ट सेविंग्स नहीं है, ये सब स्ट्रक्चरल और परमानेंट कॉस्ट सेविंग्स थी जो हमने कोविड 2020 में ज्यादातर हमने इसको कोविड से पहले इफेक्ट करी थी, और इसकी हम जो इसका जो बेनिफिट्स हैं वो हम अभी 21 और 22 में देख रहे हैं, बट ये परमानेंट कॉस्ट सेविंग्स हैं। और सर इंटरनेशनल पेशेंट्स के ट्रेंड में आप किस तरह का साइंस देख रहे हैं, क्या वो पिकअप हो सकते हैं और प्री कोविड लेवल्स तक वो कब तक पहुंचेगा ये आंकड़ा? देखिए बिल्कुल पिछले क्वार्टर के हिसाब से अगर देखूं क्वार्टर टू में तो एवरेज ऑक्यूपेंसी जो थी प्री कोविड लेवल्स के कंपैरिजन में 1/3 हो गई थी क्वार्टर की एवरेज जो थी, लेकिन क्वार्टर के अंत तक वो 50% पे आ चुकी थी प्री कोविड लेवल्स पे। आज की डेट में हम देख रहे हैं जो पिछले क्वार्टर का था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, और अगर ओमिक्रॉन का ज्यादा वेव नहीं आता था तो मेरा ये मानना था कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में मार्च तक ये पूरी वापस आ जाती इंटरनेशनल बिजनेस। अब मेरा ये मानना है अगर कोविड का जैसे मानना है कि आपका ये वेव आएगा तो इसको शायद 1 या 2 महीने डिले हो जाएगा, क्योंकि ये वेव आएगा भी जल्दी और शायद जाएगा भी जल्दी, तो जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो शायद मैक्सिमम 1 या 2 महीने और डिले हो सकता है उस हिसाब से। वैक्सीनेशन हैज बीन रियली प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंटल, और जिस तरह से ये नई डेवलपमेंट आई है 15-18 ईयर्स के लिए भी जैब है और बूस्टर शॉट भी है, आपको लगता है इससे मदद मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी शील्ड जो साइंटिफिक शील्ड है आज की डेट में वो वैक्सीनेशन है, और हमने ये देखा है कि और सभी दुनिया ने देखा है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है और जो इन्फेक्शन रेट है वैक्सीनेटेड लोगों के लिए वो बहुत ही ज्यादा कम है, आपका 14 टाइम हायर चांस है हॉस्पिटलाइजेशन का, सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन का कोविड से अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं, तो ये तो बहुत ही ज्यादा ये तो एस्टैब्लिश साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, तो बिल्कुल इसमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए और जिसने नहीं लिया वैक्सीन जरूर उनको जाके लेनी चाहिए। ठीक है अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत सारे डाउट्स से जो आपसे बातचीत करके क्लियर हुए हैं, और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। अभय बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज अपने समय दिया अपना।